लुधियाना के स्थानीय होटल में चैंपियन हंट नॉर्थ इंडिया 2019 के ऑडिशन करवाए गए, जिसमें 100 से ऊपर बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया। शो के आयोजकों ने बताया कि पिछली बार से इस बार इस टैलेंट शो में पंजाब के अलग अलग शहरों से काफी बच्चों ने ऑडिशन देने पहुंचे हैं। लुधियाना से अजय पाहवा की रिपोर्ट। दिस इज़ काव्या सोनी फ्रॉम लेडी लॉन जिम एंड डांस अकेडमी। आज हमारे यहाँ पे T5 में ऑडिशंस हो रहे हैं बच्चों के, डांस के, मॉडलिंग के, सिंगिंग, एक्टिंग, और बच्चों में बहुत टैलेंट भरा हुआ है। कम से कम यहाँ पे 125 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और हमारे और भी शहरों में हुए हैं ऑडिशंस, जैसे कि यमुनानगर में हुए हैं, अम्बाला में हुए हैं, होशियारपुर में हुए हैं, बरनाला में हुए हैं, काफ़ी सिटीज़ में हमारे ऑडिशंस हुए हैं, पटियाला में भी हुए हैं, समाना में भी हुए हैं। तो काफ़ी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास बाहर से, सिटीज़ से। तो बच्चों का टैलेंट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, और हमें खुद को ये है कि हम किसको सेलेक्ट करें और किसको ना करें, और बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, थैंक यू। देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे बच्चों की टैलेंट को देख के, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और नई नई चीज़ें देखने को मिली बच्चों की, मतलब कि एक एक्सप्रेशन जो थे बच्चों के परफॉर्मेंस करते वक्त, वो एक अजूबा ही था ऐसा। मतलब कथक जो है, कथा कहे सो कथक कहलाए, हर मतलब मंदिरों में जब कथाएं होती थी, वो कथाओं को जो हमने जब डांस का रूप दिया तो उसे कथक कहा गया, और वो कथक मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा सीखे, मतलब चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, और हमें इसे संभाल के रखना है। आजकल फॉरेनर्स बहुत क्रेज़ी हैं इसको लेकर, बट हमारे इंडियंस पिछड़ रहे हैं इससे, कई बॉलीवुड की तरफ भाग रहे हैं और हिप हॉप की तरफ भाग रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग, बट मैं चाहती हूँ वो क्लासिकल को अपनाएं, हमारी इंडियन संस्कृति को वो ग्रैब करें। बस यही है कि आप क्लासिकल को ज़रूर सीखें, चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कोई भी क्लासिकल फॉर्म हो। इंडिया में बहुत सारी संस्कृति, ये धरोहर है हमारी, और इसको प्लीज़ संभाल के रखें।